दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप क्यूबेस 5 के अंदर कोई भी म्यूजिक ट्रैक कैसे बना सकते हैं। कोई भी म्यूजिक ट्रैक बनाएंगे बिना कॉपीराइट का, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि किस तरह से आप बिना कॉपीराइट का कोई भी म्यूजिक ट्रैक यहाँ पर कंपोज कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक के ऊपर हम आपको कुछ म्यूजिक भी डालना आपको बताएंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर किसी ट्रैक के ऊपर आप अपना खुद का म्यूजिक यहाँ पे कंपोज किस तरह से कर सकते हैं, वो भी बिना कॉपीराइट का। कोई भी सॉन्ग का अगर आप ट्रैक लेना चाहते हैं किसी दूसरे से तो कॉपीराइट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे खुद आप अपना ट्रैक यहाँ पे कंपोज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा FL स्टूडियो ओपन है, ये सॉन्ग है, मैंने इस सॉन्ग को यहाँ पर मिक्स किया हूँ, DJ जैसा यहाँ पर मैंने बनाया हूँ, फिर यहाँ पर कुछ पैटर्न यहाँ पर लगा दिया, यानी कि पूरा यहाँ पर रिदम तैयार कर दिया हूँ। अभी मैं इसको सुना देता हूं। सबसे पहले मैं जो सॉन्ग है सॉन्ग को यहां पे सबसे पहले म्यूट कर देता हूं। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो जिस तरह से आप DJ सॉन्ग मिक्स कर लेना है आपको, फिर आपको म्यूट कर देना है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले सुना देते हैं इसको। तो इस तरह से आपको ट्रैक बना लेना है सिंपल में, या फिर DJ ट्रैक में बना लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रैक को आपको यहाँ पे किस तरह से लाना है, फिर यहाँ पे आपको खुद का नया म्यूजिक यहाँ पे किस तरह से डालना है, हम आपको म्यूजिक भी बनाना यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको MP3 में सेव कर लेना है, मैं इसको पहले से ही सेव कर चुका हूँ। तो यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर मैं जो ट्रैक है जो यहाँ पर मैंने सेव किया हूँ MP3 में, तो यहाँ पे उस ट्रैक को यहाँ पे मैं ले आऊँगा। तो चलिए यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कि वो ट्रैक कहाँ पर है। वो केवल सिंपल ट्रैक है, उस पर कोई म्यूजिक नहीं है। तो बिना कॉपीराइट वाला यहाँ पे मैं आपको बनाना बताऊँगा कि इस तरह से आप DJ ट्रैक बना सकते हैं बिना कॉपीराइट का। आपको कॉपीराइट का कोई भी खतरा नहीं होगा और आप उस सिंगर से इस ट्रैक पर गवा भी सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे उस ट्रैक को यहाँ पे लेकर के आ चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। यहाँ पे मैं कलर डाल देता हूँ। तो मैंने मेरा जो ट्रैक है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं भी आपको इसको सुना भी दूंगा कि किस तरह से ट्रैक बज रहा है। उसके बाद मैं दोबारा मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि आप इस पे म्यूजिक कैसे कंपोज करेंगे। मान लेते कि ट्रैक तो आपने बना लिया है, लेकिन अब आप इस पे म्यूजिक डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो 128 BPM था, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 128 BPM में इसको कर लेता हूँ। तो वो सॉन्ग मेरा 128 BPM का है। तो यहाँ पर इसको जूम करके जो फालतू का जितना भी फालतू का ये यहाँ पे जो है पार्ट, उतना हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे कट टूल से एक है, तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, इतना इतना मैं कट कर दूँगा, फिर इसको इतना पार्ट डिलीट कर दूँगा, फिर यहाँ पे इसको मैं उतना बराबर लेयर में जितना लेयर है आपका उतना आपको लेयर में ही इसको ला करके रख देना है। तो यहाँ पर मेरा जो लेयर है यहाँ पे ले आया हूँ, आपको सुना दे रहा हूँ इसको। तो दोस्तों आपने इस ट्रैक को सुन लिया है कि ये कैसा बज रहा है, बिल्कुल वही ट्रैक है, बस इस पे म्यूजिक कंपोज करना बाकी है। तो हम आपको चले बताते हैं कि इस पे आप नया म्यूजिक कैसे कंपोज करेंगे। तो इसके लिए आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट VST प्लगइन्स होना चाहिए, जैसे नेक्सस प्लगइन्स है, स्वर प्लगइन्स है, ये सब होना चाहिए आपके पास। तो ये सबसे पहले आपको ऐड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं नेक्सस प्लगइन्स के ऊपर म्यूजिक बनाना बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं नेक्सस प्लगइन्स को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं इक्वलाइजर कर लेता हूँ, जिससे जो आवाज़ है काफ़ी अच्छी सुनाई दे, हाई क्वालिटी में सुनाई दे। तो आपको इक्वलाइजर कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप लेना है, यहाँ पर दोबारा आपको इंस्ट्रूमेंट का लेना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दोबारा ले लेना है आपको, नेक्सस प्लगइन्स का ही लेना है। यहाँ पे हम आपको तीन तरीके से बताएंगे म्यूजिक, अलग अलग तरह का यहाँ पे म्यूजिक बनाना बताएंगे कि किस रास्ते आप अलग अलग म्यूजिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये हमारा नेक्सस प्लगइन्स है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंग है, ऑर्गन्स है, पियानो है, गिटार है, बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सुन सकते हैं इस तरह का बजेगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, वो यहाँ पे प्रेसेट ले सकते हैं। अगर आपका एक कीबोर्ड नहीं आता तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्चुअल कीबोर्ड आपको ओपन कर लेना है, तभी आपका जो ये वर्चुअल कीबोर्ड है तभी आएगा, तभी ये बजेगा, तब आप म्यूजिक को बना सकते हैं। तो इसको मेरे पास MIDI कंट्रोलर नहीं है, मैं लैपटॉप के ही की से इसको म्यूजिक बनाता हूँ।
अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ कर देना। तो यहाँ पे दूसरा हमारा है, तो दूसरा हम ले लेंगे नेक्स्ट प्लीज में। ये हमारा दूसरा जो है ये पैन फ्लूट है, यानी कि सेड फ्लूट बांसुरी की आवाज़ ही निकालता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमारा सेट हो चुका है, मिक्सर को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे आवाज़ को थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे। अब ये हमारा दोबारा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो बेस्ट बेस्ट प्लगइन्स है कॉर्ग का, ये हम ले लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्ट्रिंग मिल जाते हैं, ब्रास का, यहाँ पे साउंड मिल जाता है, पियानो का मिल जाता है, बांसुरी का मिल जाता है, ट्रम्प्ट का मिल जाता है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रेसेट हैं। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि आप इस पे म्यूजिक कैसे डालेंगे, कॉर्ड कैसे यहाँ पे बनाएंगे। इस ट्रैक के ऊपर मैं आपको बताऊंगा भी। तो बस वीडियो को पूरा इसी तरह से लास्ट तक देखते रहिए। जो भी यहाँ पे फिट बैठता है, जो भी प्रेसेट अच्छा लगता है, वही मैं यहाँ पे रखूँगा, बाकी का मैं नहीं रखूँगा, जिससे जो म्यूजिक है काफ़ी अच्छा सुनाई दे इसका। तो हमारा सिलेक्ट हो चुका है, इसकी जो वॉइस है साउंड क्वालिटी काफ़ी लो है, इसमें थोड़ा सा हम डिले लगा देंगे, मोड डिले, जो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम आपको, ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी भी इसको हम इतना रखेंगे। जो ट्रैक का साउंड है वो थोड़ा हम स्लो कर देंगे। तो दोस्तों ये तीनों जो BST प्लगइन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं, आपने सुन लिया है अभी। तो चलिए अब हम इस ट्रैक के ऊपर म्यूजिक कैसे बजाएंगे वो हम आपको भी बता रहे हैं। तो कीबोर्ड जो हमारा की है लैपटॉप का, उसी से हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझा दूँगा, बाकी अपने तरीके से समझ लेना इसको। इसको हम ऑन कर देंगे तभी रिकॉर्ड होगा, है ना। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है, सुन लेते हैं इसको। तो इसको हम इतना, जो फालतू का पार्ट है, फालतू के पार्ट को हम यहाँ पे कर देंगे कट। इतना हम कट कर देंगे, इसको हम देंगे डिलीट कर। फिर चलिए दूसरा हम आते हैं, देखते हैं। चलिए काफ़ी अच्छा बज रहा है, मैंने लैपटॉप के ही की से इसको बजाया है, तो इतना अच्छा नहीं बजेगा, लेकिन अगर आपके पास MIDI कंट्रोलर है तो आप उससे बजा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, मैं इसको दोबारा चालू करता हूँ। तो इसमें भी हम जो जितना फालतू का पार्ट होगा वो हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो इतना हम डिलीट कर दिए हैं। ओ
उसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो करेक्शन, आप यहाँ पे करेक्शन, इसका जो पिच करेक्शन बोलते हैं, इसको आप सही कर सकते हैं। अगर इसका जो जितना भी कॉर्ड बजाया है आपने, अगर ऊपर नीचे होता है, कम ज़्यादा इसको करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। ये यहाँ पे फालतू का पार्ट है, तो उतना डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब सुन लेते हैं इसको, बाकी का बताएंगे भी आपको जो नेक्स्ट स्टेप है इंट्रा म्यूजिक का, इसको हम कैसे बजाएंगे। जो भी अच्छा साउंड देता है उसी के ऊपर हम यहाँ पे कॉर्ड बजाना स्टार्ट करेंगे और हम आपको बताएंगे किस तरह से हम म्यूजिक यहाँ पे कंपोज करेंगे। तो इतना तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसको हमें डिलीट करना पड़ा क्योंकि ये बज नहीं पाया है। तो चलिए हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं दोबारा, जो थर्ड स्टेप है कॉर्ड बजाने का। तो ये हमारा यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे सुन सकते हैं इसको। चलिए हम सुनाते हैं। जो फालतू का पार्ट है हम इसको यहाँ पे कर लेंगे, इसको कट। तो हम इसको हम कट कर देंगे, इसको कर देंगे डिलीट, और इसको हम यहाँ पे लेयर पे इसको ले आएंगे। तो हम इसको लेयर पे ला चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे कॉर्ड बजाना भी आपको बता दिया कि किस तरह से आप ट्रैक के ऊपर अपना जो कॉर्ड है बजाएंगे, म्यूजिक कैसे बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से आप नेक्सस प्लगइन्स की मदद से किसी भी ट्रैक के ऊपर आप ट्रैक बना लीजिएगा, फिर उस पर आप नया म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्क जो BST प्लगइन्स है उसकी मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। अपना सिंगर जो गाता है, सिंगर की वॉइस यहाँ पे हो जाएगा, सिंगर यहाँ पे गाएगा, फिर नेक्स्ट वेरिएबल आप यहाँ पे बजा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना
म्यूजिक बना सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।